तो दोस्तों, आज से मैंने कुछ लगभग 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और उसमें मैंने बताया था कि जो ब्लॉगिंग एडवाइज़र है, बहुत से ब्लॉगिंग एडवाइज़र बोलते हैं कैसे आप जो है फर्स्ट मंथ से लाखों में कमाना शुरू कर सकते हो ब्लॉगिंग से। उस सब के बारे में मैंने अपनी राय रखी थी, और वो जो राय भी थी वो एक्चुअली फैक्ट बेस्ड राय थी। उसमें बहुत सा मैंने रिसर्च किया था, या जो भी थोड़ा बहुत डेटा मैंने रिसर्च किया था वो सब डेटा अटैच किया था कि कितने नंबर ऑफ जो वेबसाइट्स ब्लॉग्स वगैरह हैं, जैसे कि आई थिंक अराउंड 600 मिलियन ब्लॉग वेबसाइट रन होते हैं। उसके अलावा मैंने जो बताया था कि इनिशियली बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट की, और इनिशियल अर्निंग है बहुत ऑलमोस्ट लाइक जीरो होती है पहले कुछ महीने तक। फिर मैंने बताया था, अगेन बेसिकली जो आंकड़े थे वो रखे थे, और मैंने बताया था कि सिर्फ ब्लॉगिंग करके जो है वो भी खर्चा चलाना थोड़ा बहुत इतना मतलब आसान नहीं है। और इसलिए आप देखोगे ब्लॉगर्स वगैरह भी डिफरेंट डिफरेंट जो हैं, जैसे कि एफिलिएशन मार्केट, उसके अलावा वो अपने कोर्स वगैरह प्रमोट करते हैं कि कैसे ब्लॉगर बनो एंड सो ऑन। अगेन आप देखोगे मोस्टली जो कोर्सेज हैं, अगर आपको कोर्सेज बेचना है तो मोस्टली उसमें ये बोला जाता है कि यार मैंने कैसे करोड़ों कमाए, आप भी सीखे, और मेरा कोर्स जो डिस्क्रिप्शन में है, ऐसी चीजें बोली जाती है। जो कि आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं उन सब चीजों पे डाउट होता है कि ऑब्वियसली यार अगर कोई करोड़ों कमा रहा है ब्लॉगिंग से तो वो ब्लॉगिंग ही करता रहेगा ना, वो उसमें अपना जो कोर्स 200-200 रुपए में क्यों बेचेगा कि करोड़ों कमाओ और आके मेरा कंपटीशन बढ़ाओ। ठीक है, तो ऑब्वियसली सोचने वाली बात है, आप भी इस पे सोचिए। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो मेरे वीडियोस वगैरह पे हेट कमेंट आए थे, ऑब्वियसली इसमें काफी अच्छे कमेंट्स हैं, अगर आप देखोगे अभी स्क्रीन पे तो लाइक्स एंड डिसलाइक का रेशियो ऑलमोस्ट लाइक 2100 लाइक्स हैं इस वीडियो पे, और 300 जो कि मेरे सारी वीडियोस में से मैक्सिमम डिसलाइक्स हैं वो इस वीडियो पे हैं। और डिसलाइक्स क्यों हैं उसका मैं दिखाऊंगा आपको कमेंट सेक्शन में, डिसलाइक के रीजन क्या है। ठीक है, तो इसमें बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं कि यार आपने जो है ना, बेसिकली मैंने ये सारे फैक्ट्स बताए हैं कि जो ब्लॉगिंग है काफी कॉम्पिटिटिव जो है मार्केट है, इसमें कॉम्पिटिशन काफी अच्छा खासा रहता है। ऐसे नहीं है कि आप घुसे इसमें और आपने जो एकदम ताबड़तोड़ कमाई शुरू कर दी, ये कॉम्पिटिशन वाला फील्ड है, इसमें अच्छा खासा कॉम्पिटिशन रहता है। तो लोगों ने बोला कि यार तुम जो है नेगेटिविटी फैला रहे हो, तुम लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो एंड सो ऑन। जो जितने भी डिसलाइक्स हैं या हेट कमेंट्स हैं वो मोस्टली उसी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बॉडी बिल्डर की, या अगर कोई नॉर्मल बंदा बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, अगर आप उस बंदे को डे वन से ही इतना मोटिवेट कर दो कि नहीं तो जिम में जाओ, जिम में जाते ही उसको और उसको बोलो कि भाई तू पूरा पम्प्ड अप है, यू कैन डू इट, ये वो फलाना ढिमका, और उसको बोलो सीधा जो है 200 किलो की बेंच प्रेस लगा ले, तो उसकी फटके 64 हो जाएगी। ठीक है, उसे होगा नहीं। तो सिर्फ जो पंप देना कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, और ये मतलब पॉसिबल है, बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने 200 किलो की बेंच प्रेस मारी है, तू भी मार सकता है, तो भाई बिल्कुल मार सकते हो आप। मैं भी बोल रहा हूँ कि आप मार सकते हो, लेकिन डे वन पे नहीं कर सकते, या डे फर्स्ट मंथ में भी आप उसको नहीं कर सकते, शायद फर्स्ट ईयर में भी वो अचीव नहीं कर सकते हो। हो सकता है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप अचीव कर पाओ। तो सिमिलर चीज जो है वो मैंने इसमें बोली थी कि यार डे जो ब्लॉगिंग है वो लॉन्ग टर्म गेम है, डे वन पे या मंथ वन में या ईयर वन में भी शायद आप उतने पैसे नहीं कमा पाओ जितना आप सोच रहे हो, जो आपका टारगेट है। शायद आप हो सकता है पहले पूरा 1 साल कुछ भी ना कमा पाओ, उसके बाद 1 साल के बाद शायद जो है मे बी 5 से 10 हजार महीना कमा पाओ एंड सो ऑन। अगेन डिपेंड करता है कि आप जो कितनी कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करते हो। सिमिलरली अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो डिपेंड करता है आप कितने कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, जो एक आपका रूटीन है बॉडी बिल्डिंग का, बेसिकली जो रूटीन है या जो आप पाथ जो आपने सेलेक्ट किया है या जो रोड मैप आपको दिया गया है आपके कोच के द्वारा। तो सिमिलरली ब्लॉगिंग भी एक मैराथन है, इसमें ऐसा नहीं है कि यार रातों रात आप आए और घुसे और आपने जो दो चार वीडियो देखी उन लोगों की जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं या लाखों कमा रहे हैं, और कैसे उन्होंने बंगला कोठी कार खरीद लिया विद इन फर्स्ट मंथ में, और कैसे वो तरक्की की ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं, और आप सोच रहे हो कि आप भी इमिडिएटली उन सब पे पहुंच जाओ। तो मोस्टली मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी वीडियो जो ऐसी होती हैं वो फेक होती हैं, फेक तो खैर बोलना गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते कि उनमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को ऐसे घुमा फिरा के प्रेजेंट किया जाता है कि आपको लगेगा कि यार ये जो चीजें हैं बहुत ही इमिडिएटली अचीव कर सकते हैं। और ये सब करने का जो कारण रहता है वो सिर्फ एक एक रहता है, या तो आप जो उनके किसी न किसी तरह बेसिकली वो जो अपना ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनकी या तो वीडियोज देखो, या फिर ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड रहे हो, अटैच्ड रहो उनकी वीडियो से, या उनके कोर्सेज खरीदो,
जब आप गलती करोगे तो आपको लगेगा कि यार शायद मैंने गाइडेंस नहीं ली, शायद मैंने इनके कोर्स नहीं किए, इसलिए मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये लोग तो लाखों करोड़ों कमा ही रहे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट बेस्ड रियलिटी थी वो मैंने इस वीडियो में बोली थी, जो कि आप जाके देख सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो मैंने बोला कि यार ब्लॉगिंग छोड़ दो। मैंने बोला है ब्लॉगिंग अगर आपका गोल है कि आपको फर्स्ट मंथ से कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, आप 10-15 हजार कमाना चाहते हो फर्स्ट मंथ से, तो शायद ब्लॉगिंग आपके लिए उतना शॉर्ट टर्म गोल में शायद आपको अचीव नहीं कर पाओगे, तो बेटर ये है कि आप कोई और चीज ट्राई करो। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, कुछ जो है कमेंट्स पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने यार मतलब अगेन आप जैसे देख रहे हो लाइक टू डिसलाइक का रेशियो ऑलमोस्ट लाइक 7 टाइम्स जो लोगों ने लाइक किया है, ने पॉजिटिव कमेंट दिया है, उसके बाद जो है ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो 1/7% है जो कि जिन्होंने डिसलाइक किया है। तो यहाँ पे लिखा है ओके दिस वीडियो इज नॉट फॉर डिमोटिवेशन बट फॉर रियलिटी। तो गाइज दिस इज ट्रू, और ये वीडियो जो है ये सिर्फ मैंने रियलिटी बताई थी, अगेन जितनी मेरी नॉलेज है या जितना मैंने एक्सप्लोर किया था उसके बेसिस पे। और एक चीज मैं बता दूं कि मैंने बहुत अच्छा खासा इस पे रिसर्च किया है फिर मैंने ये वीडियो बनाई थी, ऐसे नहीं बना दी थी मैंने ये वीडियो रातों रात। उसके बाद आते हैं फिर इट्स बेटर टू नो रियलिटी देन लिविंग इन फेक फैंटेसी विच इज अगेन वेरी गुड। दिस ये मैं बोलना चाहता था कि यार जो रियलिटी है वो पता होना बहुत जरूरी है, बजाय कि आपको ये सोचना कि आप जाते ही पहले दिन से आप 200 किलो की बेंच प्रेस लगा लोगे, या अगर जैसे किसी को लॉन्ग जंपिंग को में कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, आप उसको बोलो यार पहले दिन से ही तू जो है 15 फुट की छलांग लगा लेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसकी फट जाएगी। तो पहले वो 1 फुट 2 फुट 3 फुट की छलांग लगाएगा, धीरे धीरे वो अपना गोल एक रखेगा, उसको अचीव करेगा ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, समझ रहे हो, ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम नहीं, रातों रात ये गोल अचीव होने वाली नहीं है। सिमिलरली ब्लॉगिंग वाला गोल जो रातों रात अचीव होने वाला नहीं है, स्पेशली अगर आप ऐसी वीडियो देखते हो जिसमें लिखा होता है बिना खर्चा किए या बिना इन्वेस्टमेंट किए लाखों कमाए ब्लॉगिंग से, तो उस वीडियो को थंबनेल देख के उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ रायता फैलाया होगा वीडियो में और कुछ भी उसमें ढंग की बात नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। आपको ऐसे उसमें जो मोटिवेशनल चीजें बोली होंगी या ऐसी चीजें बोली होंगी कि आपको यार आपका आपको डोपामिन हिट आएगा कि यार कुछ तो है जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ बाकी सब लोग कर रहे हैं, आपको अच्छा फील होगा, आप फिर से लग जाओगे वो करने में। लेकिन आप तभी करो जब आप इसको बिल्कुल लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना चाहते हो और आपका जो गोल है लॉन्ग टर्म का गोल है, तब आप इसको करो, बेधड़क करो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। आई थिंक मोस्टली जो एटलीस्ट जो टॉप पे आ रहे हैं वो गुड कमेंट आ रहे हैं, सो दैट इज गुड। उसके बाद काफी लोगों ने लिखा है रियल आई ओपनर, ओके थैंक यू सो मच। एक बंदे ने लिखा है व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव टू ब्लॉगिंग। तो यार ब्लॉगिंग के ऑल्टरनेटिव बताना, अगेन बहुत से ऑल्टरनेटिव हैं और डिपेंड करता है, क्योंकि ये वीडियो में बताया में जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ये बोलने का ऑब्जेक्टिव था कि शॉर्ट टर्म में ब्लॉगिंग जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप बोलते हो शॉर्ट टर्म में ब्लॉगिंग के ऑल्टरनेटिव क्या है, तो शॉर्ट टर्म में जैसे अगर आपको सिर्फ 1 या 2 महीने का आपका गोल है कि यार मैं 1 और 2 महीने की मेरी गर्मियों की छुट्टियां हैं और मुझे जाके जो है 1-2 महीने में कुछ पैसे कमाने हैं, तो आप जो है दूसरे काम कीजिए, कोई आप जॉब कीजिए जिससे कि आप 2 महीने में कुछ पैसा अचीव कर पाए, ब्लॉगिंग करोगे 2 महीने में कुछ अचीव होने वाला ज्यादा है नहीं। ओके, काफी लोगों ने वैसे एक्चुअली पॉजिटिव किया है। एक बंदे ने यार बहुत ही सही लिखा था, उसने बताया था कि कैसे उसने 4 से 5 साल लगाया ब्लॉगिंग पे और उसको जो है कोई भी एफर्ट उसका मतलब कुछ खास उसको मिला नहीं रिजल्ट। ठीक है, और उसने भी बोला था कि ये जितनी भी बातें इस वीडियो में कही गई है बिल्कुल सही है, और वो ऑब्वियसली इट इज ट्रू, क्योंकि ये वीडियो जो है बिल्कुल रियलिटी बेस्ड वीडियो है। कोई इसमें इनफैक्ट मोस्टली आप देखोगे ब्लॉगिंग बेस्ड वीडियो होती है उसमें क्या होता है कि अभी आप जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और 30 से 40% डिस्काउंट मिलेगा आपको वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, आप जाओ होस्टिंगर पे क्लिक करो, फलाना ढिमका पे क्लिक करो, और बेसिकली उनके एफिलिएट लिंक्स दे रखे होते हैं यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि आप यहाँ पे जाओ और फिर आप जो है उनका प्रॉफिट बढ़ाओ, आपका तो खैर नहीं बढ़ेगा शॉर्ट टर्म में कुछ। हाँ ये जो कमेंट है ना स्पेशली विदाउट एफर्ट एंड विदाउट मनी एनीथिंग यू कैन अचीव सो प्लीज डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। ठीक है, अगेन यार नेगेटिविटी तो मैं नहीं फैला रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है इसको बोलते हैं नेगेटिविटी फैलाना, अगर मैं किसी बंदे को बोलता हूँ कि यार तू पहले दिन से जाके जो 500 किलो की या 200 किलो की बेंच प्रेस नहीं मार सकता, उसको आप बोलते हैं मैंने नेगेटिव फैला दिया, तो गॉड हेल्प यू। और उसके बाद आई थिंक आप जो है संदीप महेश्वरी वगैरह की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको मोटिवेशन पंप काफी अच्छा आ रखा है। लेकिन रियलिटी से जो है दूर भागने की जरूरत नहीं है, रियलिटी को जरा समझो। उसके बाद बात करते हैं, एक बंदे लिखा है मेरा मन डाउन हो गया या 3 महीने हो गया, आज से रोज पोस्ट डाल रहा हूं। ठीक है, तो गाइज जैसा मैंने बोला आप जितने
मर्जी मतलब कंसिस्टेंट हो जाओ, लेकिन ये गेम जो है शॉर्ट टर्म की है ही नहीं। अगर आप सोचते हो कि पहले 6 महीने भी आप कंटिन्यूअसली डेली पोस्ट डालोगे तब भी 6 महीने में रिजल्ट आ जाए, तो शायद नहीं आएगा यार। पहले 6 महीने में भी नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि बहुत सी चीजें करनी होती है ब्लॉगिंग में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बस पोस्ट डाला डेली और आपका रिजल्ट दिखने लगा, बहुत सी चीजें होती हैं ब्लॉगिंग में। और उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने एटलीस्ट बोला यार इज गिविंग करेक्ट नॉलेज, तो आई थिंक दिस इज फाइन। अभी मेरे को एटलीस्ट जो है लाइक्स और डिसलाइक का रेशियो देख के मेरे को काफी लग रहा था ये यार काफी लिस्ट में नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं वीडियो पे, और मेरे को शायद थोड़ा बहुत एटलीस्ट क्लैरिफाई करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वीडियो जिस पर्पज से मैंने बनाई थी मेरे को लग रहा था यार इसका जो पर्पज है वो शायद थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो रहा है, लोगों को शायद समझ में आई नहीं वीडियो, लोगों ने इनको नेगेटिव वे में ले लिया, लोगों को लगा कि वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्लॉगिंग के बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है और एंड सो ऑन। लेकिन यार ऐसा नहीं है, ब्लॉगिंग के बेनिफिट हैं, लेकिन ब्लॉगिंग आप जो है डे वन से अगर एक्सपेक्ट करोगे कि कमाई हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बंदे ने जैसे लिखा है बिलीव इन लॉन्ग रन, तो यार दिस इज गुड। अगर आपका गोल ऐसा है कि आप जो लॉन्ग टर्म में विश्वास रखते हो और आप सोचते हो कि यार डाउन 5 ईयर्स डाउन द लाइन या 10 ईयर्स डाउन द लाइन मेरा जो है खुद का कोई ना कोई ऐसा कस्टमर बेस हो या खुद की फॉलोइंग हो, तो उसके लिए आप जो है ब्लॉगिंग वगैरह इज गुड, और धीरे धीरे आप उससे अर्निंग वगैरह भी ऑब्वियसली कर पाओगे। आई थिंक यार यूट्यूब का एल्गोरिज्म मेरे को लग रहा है इतना स्मार्ट है कि उसने जितने भी नेगेटिव कमेंट है शायद उसको सप्रेस कर दिए हैं, या जो शायद समहाउ आई एम नॉट एबल टू सी नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन डिसलाइक बहुत दबा के आए हैं इस वीडियो पे। ओके, एक बंदे ने लिखा है वेरी करेक्ट, इट्स एक्सपेंसिव टूल, आई एम ऑल्सो भुक्त भोगी। वॉट इज द मेथड टू अर्न 15 to 20,000 पर मंथ? ओके, तो लोगों ने ऑलरेडी इसको कमेंट कर रखा है, सुपरमार्केट एंड जॉब एंड ऑल्सो आई थिंक विच इज फाइन इफ योर गोल इज फॉर शॉर्ट टर्म। 10 लाख मंथ देन बिल गेट्स गोना स्टार्ट ब्लॉगिंग। बिल गेट्स इससे बहुत ज्यादा कमाता है खैर, लेकिन फन फैक्ट है कि हाँ यार अगर इतनी ऐसे करोड़ों कमा रहे हैं, अगर जैसे आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर जैसे कोई ब्लॉगर है वो करोड़ों कमा रहा है ठीक है, तो वो फिर जाके यार अपने कोर्स क्यों बनाएगा? वो वही टाइम फिर से एक नई ब्लॉगिंग वेबसाइट, या अगर उसने 5 ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रखी है जिससे वो करोड़ों कमा रहा है, तो 5 और शुरू कर देगा ना यार, बिजनेस एक्सपेंड करेगा ठीक है। अगर उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि कंटेंट क्रिएशन में घुसना चाहता है तो कंटेंट क्रिएशन में घुसे, बिल्कुल घुसे और क्लियर इन्फॉर्मेशन दे, कोई ऐसी जो है ऐसी बातें ना करे कि रातों रात फलाना बन जाओ ढिमका बन जाओ। पीपल लाइक योर्स आर अंडररेटेड एंड दोज आर ओवररेटेड, तो ये बात बिल्कुल सही है यार। जो मोस्टली जो है समहाउ लोगों को लगता है कि अगर आपने जो अगर आप फैक्ट बता रहे हो ना, अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज बता रहे हो, तो एक चीज याद रखो, हमेशा जो लोगों को ना नेगेटिव चीज उतनी पसंद नहीं आती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार जो है इसको सीखना इतना आसान नहीं है ठीक है, और मैं फैक्ट बेस्ड बता रहा हूँ, मैं ऐसा ओपिनियन बेस्ड नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैंने अगर ये वीडियो को देखोगे तो बहुत से फैक्ट्स हैं इसमें, फैक्ट बेस्ड बता रहा हूँ कि इसको सीखना इतना ईजी नहीं है, इसको करना इतना ईजी नहीं है, तो उन्हें लगता है कि यार हम उनको जो है उनकी कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं, या हम लोग जो है कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है यार गाइस, एक्चुअली में मैंने ये वीडियो सोचा था कि जितने नेगेटिव कमेंट्स हैं उनको आंसर करूंगा, बट कुछ ज़्यादा नेगेटिव कमेंट मिले नहीं, अच्छी बात है जो कि। और जो भी डिसलाइकर्स हैं यार उनको मैं बस क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आप एक बार जाके ठीक से समझो इस वीडियो का कंसेप्ट, अगर पॉसिबल है तो ये वीडियो देखो जो भी बनाई है, और इसके बाद आप शायद इस वीडियो को दोबारा जब देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे कि जो पॉजिटिव बात करने में और पूरी बात करने में जो डिफरेंस होता है ठीक है। मैं सिर्फ अच्छा अच्छा बता सकता हूँ या सिर्फ बुरा बता सकता हूँ, या मैं दोनों चीजें बता सकता हूँ और आप चूज कर सकते हो। उसके बाद भी ऑब्वियसली यार ब्लॉगिंग में बहुत स्कोप है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा स्कोप है, आप इसको आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।